वेलकम आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आप सब ये सोच रहे होंगे जो मुश्किल टाइम चल रहा है, इस टाइम जहां दुनिया कोरोना नाम की महामारी से डरी है, रिक्वायरमेंट कैसी है। सो मैं आप सबको बता दूं कि रिक्वायरमेंट्स निकल रही हैं, बट इस रिक्वायरमेंट्स को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। चलिए जानते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इस वीज़े के रिलेटेड, क्या टर्म्स एंड कंडीशन इसके बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है, अगर डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं किसी भी वीज़े से रिलेटेड, अगर आपने वीज़ा देखा है तो आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सब कुछ ठीक होने का वेट करना पड़ेगा। वेट करने से मतलब ये है कि एम्बेसीज ओपन होने का, और जो भी एम्बेसी जहाँ वीज़ा स्टैम्प होता है उस ऑफिस के खुलने का आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो है, इंटरव्यू होंगे वो सब ऑनलाइन होंगे, IMO पे होंगे या और भी स्काइप जितने भी सॉफ्टवेयर है उस चीज़ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। जितने भी इंटरव्यू होंगे वो ऑनलाइन होंगे। बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या पोजीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो अपनी है वो है शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, मतलब शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे पानी वाले जहाज मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट है। शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए बंदे चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स निकली हैं। शिप मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स निकली हैं, उसके लिए बंदों की ज़रूरत करते हैं कि किन किन लोगों की ज़रूरत है और पोजीशन उसमें कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो है, मैं फर्स्ट नंबर पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो है मैकेनिकल इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर शिप बिल्डिंग। आपके पास मैकेनिकल या शिप बिल्डिंग का 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना, मतलब एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो है वो है मैकेनिकल फोरमैन, मतलब मैकेनिकल फोरमैन की रिक्वायर्ड है। और तीसरी जो है वो है मैकेनिकल फिटर, जितना भी फिटर का काम होता है वो करना होगा आपको। और चौथी जो है फोर्थ वाली, उसमें मैकेनिकल हेल्पर, मतलब हेल्पर में जितना भी काम होगा उस पर करना होगा, जितना भी हेल्पर से रिलेटेड वर्क होता है वो आपको करना होगा। सो फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट बात कर ले वो है वेल्डर, वो है वेल्डर की, मतलब वेल्डर की जितना भी काम रहता है उस पर वेल्डिंग का, वो सब आपको करना होगा। वेल्डर का अगर आपका एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं एक्सपीरियंस में कितना रिक्वायर्ड है। सारी पोजिशन के लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट्स पोजीशंस और के हिसाब से अगर आप जिस हिसाब से सूटेबल हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे ईमेल डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी रखी है, जो कंपनी डायरेक्ट मुंबई की एजेंसीज की ईमेल है, आप उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा डायरेक्ट ले सकते हैं। इसमें कुछ सर्विस चार्ज भी हो सकता है, आप बात कर ले कम से कम सर्विस चार्ज होगा जितना पड़ता है उससे हाफ का हाफ होगा, क्योंकि जहाँ से वीज़ा डायरेक्ट निकलता है मैं वहाँ की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स है मुंबई की एजेंसी से। सो फ्रेंड्स, जो वहाँ के किंग है मुंबई के, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। बात कर लेते हैं कि वीज़ा कहाँ का है, मतलब किस शहर का है। तो ये रोमानिया का वीज़ा है, रोमानिया एक शहर है, वहाँ का वीज़ा है। आप देख सकते हैं रोमानिया का शहर कितने का है। तो अप्लाई करने के लिए आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और 2 पासपोर्ट स्कैन कॉपी और 1 CV की स्कैन कॉपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन ईमेल आईडी मेंशन आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट में आप, जिस भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जिस किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट जरूर डालें। अगर आप वेल्डर में अप्लाई करें तो वेल्डर डालें, अगर आप हेल्पर में अप्लाई कर रहे हैं तो हेल्पर लिखना जरूरी रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज का रिक्वायरमेंट्स, जिनको इस वीडियो की जरूरत है उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।